ही दहेज के दानवों ने 10 लाख रुपए न मिलने पर बहू को मिट्टी का तेल डालकर की आग के हवाले, नवविवाहिता को जिंदा जलाया, ससुराल पक्ष मौके से फरार। चांदनगर के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचगांव में एक नवविवाहिता लड़की जिसका नाम रीना वर्मा बताया जा रहा है, उसके ससुराल वालों द्वारा उसे जिंदा जलाकर मार दिया गया है। जलाने के बाद उसे किचन में डालकर सभी परिवार के लोग फरार हो गए। लड़की के भाई और माँ बाप का कहना है कि 10 लाख रुपए की मांग की गई थी और कार 4 व्हीलर की मांग की जा रही थी। ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता महिला को मानसिक एवं शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा था। पुलिस उन लोगों की तलाश कर रही है। लड़की के माँ बाप और परिवार वालों का और लड़कियों के भाई का कहना है कि न्याय और इंसाफ मिलना चाहिए। इस विषय को लेकर जब हमारे संवाददाता ललित रघुवंशी ने एसडीओपी खुमान सिंह धुरवे से बात की तो उनका क्या कहना था, साथ ही लड़की के भाई से भी बात की, लड़की के भाई का भी क्या कहना था, आइए जानते हैं। मेरी बहन की शादी 23 मई 2020 को हुई थी और इसका दूसरे से लड़की के साथ अफेयर था और इसके घर वाले ने छुपाई थी ये बात कि उसकी दूसरी शादी और हो चुकी है। उसके बाद हमने दहेज के लिए शादी की है, मैंने 15 लाख रुपए दिया, 10 लाख रुपए के लिए और डिमांड की थी उन्होंने और मैसेज किया था उसने मेरे को एक दिन पहले कि तूने तेरी बहन को नहीं ले गया तो तू सोच ले तेरा क्या होने वाला है, तेरी बहन के साथ क्या होने वाला है। मैसेज बताइए जी, देखो आज 2 तक तूने उसकी तेरी तैयार कर रहा हूँ और रात को उनको मार के उसके जीजा तो दोनों जीजा भी यहाँ आए हुए थे वो भी आए फिर से बोली रात को उनके दोनों जीजा उनके मामा सब लोग आए हुए थे लड़का के मामा भी लड़का के जीजा आए थे और लड़का के मामा भी आए थे लड़का भी आया हुआ था आपके घर में लड़का का भाई छोटा वाला इनके ये किसका घर है उसी का जीजा जी का घर जीजा जी का घर दीदी कहाँ की है नांदना परसोली की दीदी है ये जीजा का घर है आप लड़की के भाई हो आपको यहाँ कब खबर मिली और आप यहाँ कब आए यहाँ 11:30 समथिंग रात को दिन में मॉर्निंग में पता चला है ना घर में लड़की का पति नहीं है सास ससुर नहीं है और भी अन्य जो सदस्य हैं वो कोई नहीं है वो फरार हैं सब फरार ठीक जानकारी ये लगी है रीना पति रंजीत वर्मा इसकी शादी 23 मई 2020 को पंजगांव के रंजीत के साथ हुई थी। शादी हुई अभी मुश्किल से 1 माह 10 दिन भी नहीं हुआ है और आज ये नवाहिता भी जले हालत में डेड बॉडी हमको मिली है जी। जिस पर से हमने अभी मर्ग कायम कर लिया है जी। अभी मृतक के परिवार वाले उनके 10 लाख रुपया मांगने और कार मांगने जी। ये शिकायत किए हैं जी। जैसी इनका बयान होता है हम पंचनामा कार्यालय में अभी भेजे हैं डेड बॉडी को जी। जैसी पंचनामा कार्रवाई होती है हम 304B का अपराध पंजीबद्ध करेंगे और जो भी इसमें आरोपी हैं हम किसी को बख्शेंगे नहीं, सबको विधिवत जेल भेज जी। परिवार वालों का कहना है कि इससे पहले ये चांद थाने में कंप्लेंट लेके गए थे, अगर वहाँ पे FIR दर्ज हो जाती इनकी सुनवाई होती तो शायद ये मामला नहीं होता, इनका ऐसा कहना है। इस विषय में आपका क्या कहना है?
ये चांद थाने वो गई थी, लड़की गई थी जी। और लड़की से उस टाइम में हमारे जो पीआई साहब है वो स्टेटमेंट लिए जी। तो लड़की कहना ये है कि मैं रिपोर्ट नहीं करूंगी, एक बार समझा दी जी, ये बात हुई थी। इसलिए लड़की का हथियार था, बोल दिया फिर कब बताए थे ना हमने।